हर बिजनेस फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ बिजनेस सिर्फ वही डिसीजंस ले, सिर्फ वही एक्शंस परफॉर्म करे जिससे सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचता, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में है। ठीक है, नाउ देयर आर टू क्लासेस ऑफ थॉट दैट आई एक्सप्लेन दैट यस्टरडे आल्सो। वन स्कूल ऑफ थॉट हु इज इन फेवर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस परफॉर्मिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, दे से बिजनेस एंटिटी should perform its social responsibility. It should not have only one objective, that is of earning profit. It should promote the welfare of the society. Or while, you know, taking its business decisions, it should keep in mind welfare of the society. But then there is another school of thought, which is of the viewpoint that business exists for earning profit. It has nothing to do with society's welfare. ठीक है, तो ये दोनों के व्यू पॉइंट्स हैं। ये अपने व्यू पॉइंट्स को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग द केस इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ डिबेट। वंस ग्रुप इज इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर इज against. So let's put a case forward for social responsibility. So two points we had already discussed. Coming to the third point, avoidance of government regulations. See, regulations means restrictions, confining ourselves to restricted area. Rules or regulations क्या होते हैं, ये हमें regulate करते हैं, हमें एक तरह से बांधते हैं कि हमें ये करना है, हम ये नहीं कर सकते। Nobody likes regulations, ठीक है? आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल आपके ऊपर रेगुलेशंस लगाता है, बेटे बाहर जाना है, पास लेके जाना है, ठीक है? आपको अब पास क्यों लेके जाना है? पहले तो ये कल्चर नहीं था। इफ यू बीन स्टडिंग इन द स्कूल फ्रॉम द नर्सरी, देयर वाज नो सच सिस्टम के पास लेके जाना है, ठीक है? लेकिन कुछ बच्चों ने, शरारती बच्चों ने इसका फायदा उठाया। दे वुड रिमेन आउटसाइड द क्लास फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेनेवर द डिसिप्लिन टीचर ऑन डिसिप्लिन ड्यूटी वुड आस्क, वो कहते थे हम तो अभी आए हैं, ठीक है, तो अभी मैम से पूछ के आए हैं। सो देयर वाज नो यू नो प्रूफ मैम से पूछ के आए हैं, नहीं पूछ के आए हैं। सो व्हेन यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, तो हमने इसकी सोल्यूशन ढूंढी, हमने आपके पास बना दिए। जिस बच्चे के पास पास है मतलब वो टीचर से पूछकर आया है, टीचर से पास लेके आया है, ठीक है? सो इस बिना पूछे वो बाहर नहीं घूम रहा। सो ये अब आपको ये थोड़ा बंदिशों में लगता है, क्या है, पास नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब है ना? तो ये बंदिशें किसने इनवाइट की? हु इनवाइटेड दीज रेगुलेशंस? यू। व्हाई? यू वर बीइंग इनडिसिप्लिन्ड। तो इसी तरह से बेटे, अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो लिमिट्स में रहता है, अगर वो चाहता है उसके ऊपर अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, नोबडी लाइक्स रेगुलेशंस, या ये आपकी फ्रीडम को कर्ब करती हैं, रोकती हैं, तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपके ऊपर रेगुलेशंस ना लगाती रहे, तो आप ऑन योर ओन वॉलंटरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करो। आज पॉल्यूशन का लॉ बना हुआ है, आज अगर किसी भी फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है या उसका पानी गंदा जा रहा है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतना पावरफुल है कि वो आपको क्लोजर का सर्टिफिकेट देके जा सकता है। अगर कहीं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आपके फैक्ट्री के बाहर क्लोज डाउन लगा गया ना, तो वो यूनिट कभी नहीं खुल सकता, ठीक है? यू इन्वाइटेड दीज ट्रबल्स। अगर बिजनेसमैन ने पहले ही ध्यान रखा होता कि हमारी एक्टिविटीज से पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, तो ये आती नहीं, यहां तक नौबत आती नहीं। सो डू बिजनेसमैन वॉन्ट टू अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशंस?
or not? They do. What should they do to avoid government regulations? They should assume social responsibility voluntarily. उनको अपनी social responsibility voluntarily निभानी चाहिए. Voluntarily नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? Government जोर जबरदस्ती करेगी. जोर जबरदस्ती करेगी तो सब रगड़े जाएंगे. Everyone will be adversely affected. No? ठीक है ना? So if the business enterprise wants to avoid government regulations, so it should assume the social responsibility voluntarily. ठीक है? So this argument goes in favor of business performing or assuming social responsibility. Then maintenance of society. So we want to maintain society. We do not want a society jahan pe anti social activities ho rahi hain. Ab aapko ke ma'am kanoon banata hua hai, there is a law. So by following law, you know, we can avoid such kind of disturbances or anything wrong going on in the society. But bete, laws hain to sahi. Har possible circumstance ke liye law nahi ho sakta. Can there... Ab, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमने सोचा था कि हमें पोल्यूशन आएगी हमारी कंट्री में, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे व्हीकल्स इतना धुआं फैलाएंगे कि लोगों की जानें चली जाएंगी. नहीं सोचा था. तो उसके बाद हमने पोल्यूशन का कानून बनाया. क्या हमने सोचा था कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा? नहीं सोचा था. तो जब हमें रियलाइज हुआ कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया. ठीक है? सो मतलब हर पॉसिबल सर्कमस्टांस के लिए हम कानून नहीं बना सकते. ठीक है? सो पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, दे मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज विच आर नॉट नेसेसरली गवर्न्ड बाय लॉ. देयर आर सम पीपल हु फील ये बिजनेसमैन हमें लूटता है, अरे ये हमें इतनी महंगी चीजें दे रहा है. ठीक है, ये कितने की बनती है ये चीज, इतनी सस्ती बनती है, देखो ये हमें कितने की दे रहा है. सो जब आपको लगता है कि आपको अपना ड्यू नहीं मिल रहा है बिजनेस की तरफ से, यू मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज. ठीक है? लाइक आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ड्यूरिंग लॉकडाउन many schools, they did not start with their online classes, or the quality of their online classes was not very good, and they were asking fees from the students, hai na? And the parents, they resorted to antisocial activities. Ke bhi aap padha rahe nahi ho, aap fees mang rahe ho. Ho sakta hai aise? Ye kab hua? Jab ek class of logo ko laga ki ye businessmen हमारा ड्यू हमें नहीं दे रहा है. व्हाट इज ड्यू टू दिस बिजनेस टू अस, वी आर नॉट गेटिंग इट. आपको जब लगता है आपको आपका हक नहीं मिल रहा, तो आप एंटी सोशल एक्टिविटीज पे उतर आते हो या नहीं? ठीक है? सो दीज मे नॉट बी नेसेसरली गवर्न्ड बाय लॉ. सो इससे क्या होता है, बिजनेस का इंटरेस्ट हार्म हो जाता है. ठीक है? बिजनेस कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो कानून से बाहर जाके है, लेकिन सोसाइटी को लग रहा है कि जो बिजनेस को हमारे लिए करना चाहिए वो ये नहीं कर रहा हमारे लिए, तो दे मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज. इसमें बिजनेस का नुकसान हो सकता है लॉन्ग रन में. यू मे स्टार्ट बाइंग थिंग्स फ्रॉम दैट बिजनेस. ठीक है? सो इजंट इट डिजायरेबल कि बिजनेसमैन खुद ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे, वो ऐसी नौबत आने ही ना दे, है ना? Getting my point? So, अगर एक रेस्टोरेंट ओनर है, earlier there was no such law के कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है, तो उस केस में अगर एक रेस्टोरेंट आपको ऐसा खाना परोसता है जिसमें यू नो स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, या आपको नॉन वेज करता है जो कि स्टेल है, या कॉकरोच निकल आता है आपके फूड में से, तो अर्लियर देर नो सच लॉस, तो उस केस में
कंज्यूमर कहेगा ना कि आप मेरे को क्या परोस रहे हो, मैं तो नहीं आऊंगा आपके होटल में, और नॉट. तो क्या किया बिजनेसमैन ने, अपनी रेपुटेशन खराब की, है ना, अपना बिजनेस खराब किया. तो अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका यू नो सोसाइटी मेंटेन्ड रहे, सोसाइटी के लोग उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले, एक्शन का मतलब ये नहीं कोई वायलेंट एक्शन ही होगा, वायलेंट और नॉन वायलेंट, यू मे स्टॉप बीइंग अ कस्टमर टू द बिजनेस एंड इट इज व्हाट इट इज एन एक्शन अगेंस्ट द बिजनेसमैन. आप सबने एक कंज्यूमर फॉरम बना लिया और बोला कि इस रेस्टोरेंट में हमने नहीं जाना, ये क्या है, दिस इज एन एक्शन बाय द कंज्यूमर्स फॉरम. इससे बिजनेस का इंटरेस्ट हार्म होगा, तो इसीलिए बिजनेसमैन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस. बेटे जो बिजनेसमैन है उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल तो होते ही होते हैं, इसके अलावा उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं. हु आर ह्यूमन रिसोर्सेज? ऑल ऑफ अस आर नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज. ओनली दोज हु एडुकेट, हु स्किल देमसेल्व्स, हु आर ट्रेन्ड, दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज. बाकी ह्यूमन बीइंग्स हैं. हम में से जो पढ़ रहे हैं, अच्छी डिग्री हासिल करेंगे, कोई स्किल हासिल करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कौन होते हैं बेटे? विच आर हेल्पफुल इन फर्दर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं. तो ओनली एडुकेटेड बीइंग्स कैन बी हेल्पफुल. यस, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बिजनेसमैन के पास रहते हैं. दे हैव valuable financial and human resources which can be used for solving society's problem. अब society में कितनी problems आती हैं, हर problem को solve करने के लिए कुछ resources की जरूरत होती है. Which segment of the society is having you know resources? Business. तो businessman के पास ना तो financial resources की कमी है और ना ही ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है. आप देखो जितने बड़े बड़े MBAs, इंजीनियर्स, वो सब किसके अंडर काम कर रहे हैं? बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हैं. तो बिजनेसमैन के पास अच्छा मैनेजरियल टैलेंट है ना, तो इन इस टैलेंट को वो यूज करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है. बेटे कोई भी प्रॉब्लम है, इट हैज टू बी टैकल्ड विद रिसोर्सेज. अब ऑनलाइन क्लासेस की नौबत आई तो हमारे स्कूल ने वाईफाई लगाया, वी हैड रिसोर्सेज, द होल स्कूल इज वाईफाई एनेबल्ड टूडे. अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं होते तो ये ब्लेंडेड सिस्टम जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता. ठीक है, सो वी हैड यू नो कंप्यूटर ट्रेन्ड टीचर्स, वी हैड financial resources, both these helped us in solving this problem. ठीक है, ये personal level की problem है, इसी तरह society के level की भी problem जो है वो businessman solve कर सकता है. ठीक है, कोई भी अब जैसे problem है इंडिया में, poverty है, illiteracy है, तो आपने देखा है ये आप classmate की notebooks लेते हैं, बहुत सारे students उसके पीछे लिखा होता है, उसके पीछे ये लिखा होता है कि अगर आप इतनी नोटबुक्स देते हो तो इसके इतने रुपीस चाइल्ड रिलीफ फंड में जाएंगे या स्कूल की एडुकेशन की फंडिंग में जाएंगे. दिस इज व्हाट, दिस इज बिग बिजनेसमैन अज्यूमिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दैट डे आई हैपन टू विजिट अ वेस्ट साइड शोरूम, इट इज इन मॉडल टाउन, इट इज ओन्ड बाय एनीवन, एनी आइडिया? टाटा. ठीक है, सो as Diwali season is going on, they every time, every year in this season they do so. Either they keep diyas, and if you buy those diyas, that contribution go towards child relief fund. That day she told me, if you want to donate anything, aap jitna donate karenge, hum utna contribute karke apni taraf se, agar main 100 rupees deti hoon,
ठीक है, तो 100 रुपए वो डालेंगे और ये किसको जाएगा? चाइल्ड रिलीफ. दिस इज वन एप्ट एग्जाम्पल ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस एज्यूमिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे हैव फंड्स. यस, सो दे आर एबल टू सॉल्व सोसाइटीज प्रॉब्लम. ठीक है, देन कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. बेटे बिजनेसमैन क्या करता है? ही हैज दिस एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज, ही हैज दिस यू नो टैलेंट. उसमें ये एक खासियत है कि वो थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है. आपने एक वो कोटेशन सुनी होगी, दो इट इज जस्ट अ कोटेशन, कि अगर आपको ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो आप उसकी दीवार बनाएं. ठीक है, डोंट गेट हर्ट बाय दिस, यू मेक अ वॉल आउट ऑफ इट. सो सिमिलरली एक बिजनेसमैन क्या करता है, कोई उसको थ्रेट करता है, कोई चैलेंज आता है उसके आगे, ही हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दिस रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी. तो वो रिस्की सिचुएशंस को प्रॉफिटेबल डील में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो वो जो ऐसा कर सकता है तो वो सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? ठीक है, अगर वो अपने बिजनेस में रिस्की सिचुएशन, इतना बड़ा रिस्क लेके और इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है तो वो सोसाइटीज की प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है. ठीक है, सो इसीलिए हम कहते हैं बिजनेसमैन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो और वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसमें ये कैपेबिलिटी है, तो ही शुड अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अब आपका क्लास डेकोरेशन कॉम्पिटिशन है, हमें लगता है इसमें टैलेंट है, ये ड्राइंग कर सकती है, तो आई विल गिव इट टू हर. आप ये नहीं कह सकते हम तो स्टूडेंट है, हमारा काम सिर्फ पढ़ने आना है. नो, ठीक है, बिकॉज यू हैव दिस टैलेंट, बिकॉज यू कैन हेल्प इन योर क्लास डेकोरेशन, सो यू हैव टू डू इट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस. बेटे बिजनेस एक ऐसी सोसाइटी में ऑपरेट करता है जिसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, कुछ सिंपल हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं. ऐसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, ऐसे बिजनेस, ऐसी सोसाइटी में बिजनेस करना जो एकदम डाइवर्स है, जिसमें डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, एक जैसी नहीं है ना, लोगों का इनकम सेम है, ना लोगों का कल्चर सेम है, ना लोगों के टेस्ट सेम है. डाइवर्सिटी है इंडिया में खासकर, है या नहीं? रिलीजन सेम है, डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है. यस, लोगों का कल्चर, किसी ने दिवाली को अपना मेन फेस्टिवल मानना है, किसी ने ईद को मेन फेस्टिवल मानना है ना. तो ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत ही डाइवर्स है एंड इवन कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि हमारी कंट्री में वही मल्टी लिंगुअल है, मल्टी कल्चरल है. ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. ऐसी सोसाइटी में बिलीव मी बिजनेस को रन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो अपने सर्वाइवल के लिए बिजनेसमैन को इस तरह से अपना काम करना पड़ेगा कि जितनी भी सोशल इलनेस हैं वो उनको रिमूव कर सके. सो इफ बिजनेसमैन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सॉल्विंग सोसाइटीज प्रॉब्लम, तो इसमें वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो अपना रास्ता खुद साफ कर रहा है. आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना है, रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, तो अगर आप पत्थर उठाते हो तो आप किसके लिए काम आसान कर रहे हो, अपना या आने वाले का? अपना भी कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप तभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे अगर रास्ते में वो पत्थर उठाए जाएंगे. सो इफ यू कीप ऑन वेटिंग somebody else विल कम एंड पिक अप those stones, ओनली देन आई विल मूव फ्रॉम my होम, यू विल गेट लेट और नॉट. तो इसी तरह एक सोसाइटी जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बिजनेस का सर्वाइवल एंडेंजर्ड है. तो अगर आप सर्वाइवल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद ही सोशल इलनेसेस को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सोसाइटी जिसमें कम प्रॉब्लम्स हैं
वो उसमें एक फर्म अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकती है। ठीक है, लास्ट आर्ग्यूमेंट, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। तो बेटे दोज पीपल हु से दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए बिजनेसमैन को, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, थैंक यू वेरी मच, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसकी देन है? हम कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें? वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यस, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करता है। चाइल्ड लेबर की, अगर बिजनेसमैन नहीं होता तो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम नहीं होती, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल है। सो इट्स द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। नो, अगर आपने खड्डा खोदा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भरो। ठीक है, सो यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ मेयरली एक्सपेक्टिंग अदर सोशल एजेंसीज, हम कहें ये एनजीओ करे, ये गवर्नमेंट करे, हम क्यों करें, है ना? नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको ये करना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? इट्स क्लियर? इट्स अ बिट थ्योरेटिकल, सो आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे जिसके अराउंड आप इसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, ओके, बट देन देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो कि कहते हैं कि बिजनेसमैन शुड नॉट अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस किस लिए एग्जिस्ट करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते रहेंगे बेटे, तो किस तरह से वो प्रॉफिट अर्न करना कर पाएगा? तो ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि बिजनेस मैन क्यों निभाए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यही कहते हैं कि कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, इट इज अगेंस्ट, इट इज वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो वो कहते हैं बिजनेस की सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे, और किस तरह से मैक्सिमाइज करे, यानी कि हाई प्राइस चार्ज करके करे। इफ अ बिजनेसमैन, ये दो बिजनेसमैन है ए एंड बी, ठीक है, शी इज मैक्सिमाइजिंग हर प्रॉफिट्स बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस, यू आर ऑल्सो मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट। आपका भी प्रॉफिट 100 रुपए, इसका भी प्रॉफिट 100 रुपए, लेकिन आप ये कंज्यूमर से 10 रुपए चार्ज कर रही है, ये 8 रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रॉफिट सेम है। ठीक है, ये कैसे अपना प्रॉफिट सेम रख रहा है? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। गॉट इट? सो विच हु ऑफ यू इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू। रीजन, यू आर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट। हाउ? बाय इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। यस क्रिश, ठीक है, सो दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ